तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज आप ये सेशन में सीखने वाले हैं कि आप वायरिंग कैसे करेंगे या सोल्डिंग कैसे करेंगे। आज आप जो सीखने वाले हो मेन वो है कि आप सोल्डिंग कैसे करेंगे, सोल्डिंग सीखने वाले हैं। सोल्डिंग के साथ साथ में आप वायर कटिंग कैसे करेंगे, कटर से वायर कटिंग करना सीखेंगे और सोल्डिंग करना सीखेंगे। वेट मशीन में जितनी भी जगह पर सोल्डिंग की रिक्वायर्ड होती है वो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि आप कहाँ कहाँ पे इसमें सोल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आज आप ये सारी चीज़ें इस वीडियो में सीखेंगे। तो आप लोग वीडियो को जितना हो सके ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से हम सोल्डिंग करते हैं। तो एक एक करके मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से उसको सोल्डिंग कर पाएंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये मदरबोर्ड में लगने वाला रेलीमेंट वायर है। इस तरीके से आप ये रेलीमेंट वायर को आप सोल्डिंग करना सीखेंगे। आपको सोल्डिंग के साथ साथ आप इसको कटिंग किस तरीके से करेंगे और कैसे इसको आप अच्छे तरीके से सोल्डिंग कर पाएंगे। तो आप देखिए, जैसे कि यहाँ पे चार वायर दिख रहा है, इसमें दो वायर बैटरी का है और दो वायर ऑन ऑफ स्विच के लिए है। ये दो वायर ऑन ऑफ स्विच के लिए है और दो वायर बैटरी के लिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर का वायर उसमें डायरेक्टली लगता है। तो डायरेक्ट लगने के लिए अब देखिए, कटर का यूज आप ऐसा वाला कटर के साथ स्ट्रिपर आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको स्ट्रिपर के लिए मिल जाता है और कटिंग के लिए भी मिल जाता है। ऐसा वाला कटर अगर आप यूज करना चाहें तो आप भी परचेस कर सकते हैं टपारिया का। और इस तरीके से अगर आपको नहीं यूज करना है तो आप ऐसा वाला कटर यूज कर सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास, जो आपको सूटेबल लगे, जो आपको अच्छा लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए, कटिंग के लिए अगर आप स्ट्रिपर इस तरीके का यूज कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहली बार जब कोई ऐसा यूज करता है तो उसे ज़्यादातर टाइम एक कट ही जाता है। जैसे आप इसको फर्स्ट टाइम जब इसको छीलने की कोशिश करेंगे तो आप देखिए ध्यान से आप देख सकते हैं, तो इस तरीके से आपको छीलना है। पहला हल्का सा आपको इसको प्रेस करना है यहाँ पे फंसा के, और इस तरीके से अंगूठे से आप इसको थोड़ा सा पुश करेंगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पे छीला हुआ दिख जाएगा। देखिए, आप देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से कि आप किस तरीके से इसको छिल गया है। यहाँ पे देखिए छोटा सा आपको दिख रहा होगा। आपको छीलने के लिए जब कहीं पे जोड़ना होगा तो आप कुछ इस तरीके से ही छीलेंगे, ज़्यादा आपको छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप लगाने के लिए सोल्डिंग पहले आप छीलने से बेटर है। मैं आपको पहले कुछ वायर पे छीलना ही सिखा देता हूँ कि आप उसको किस तरीके से छील सकते हैं वायर छीलने के लिए। अब देखिए, इस तरीके का अगर वायर रहेगा तो आपको छीलना है तो आप ऐसा पकड़ सकते हैं। आप दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कटर में कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हल्का सा आपको प्रेस करना ताकि वो कट जाए और इस तरीके से आप वायर छील पाओ। ये देख सकते हैं, आपको क्लियर दिख रहा होगा कि आप किस तरीके से वायर छील जाता है छीलने के लिए। ये देखिए, आप इस तरीके से करके वायर छील सकते हैं। जब भी आप इसको करें तो एकदम हल्के हाथ से इसको, ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ी से आप दबाएंगे। अगर बहुत तेज़ी से दबा के आप खींचने की ऐसा कोशिश करेंगे तो ये हो सकता है कट जाए ऐसा। ये देख सकते हैं, ऐसा ये कट गया। फिर मैंने छीलने की कोशिश की और ये फिर कट गया, आधा कट गया आधा बचा है। या फिर मैंने छीलने की कोशिश की और इस तरीके से हो गया। अगर आप ज़्यादा तेज़ी से दबा के इसको ऐसा प्रेस करके ज़्यादा तेज़ी से इस पर जो लगाएंगे तो ये कट जाएगा। आपको क्या करना है, एकदम हल्के हाथ से हल्का दबाना है कि ताकि आधा कट जाए और आधा छिल जाए। आप इस तरीके से इसको छिल सकते हैं, ऐसा आप छिल सकते हैं। छिलने के लिए आप देख सकते हैं इसी तरीके से, जब आपको कट भी जाए तो आप पहला उसको प्रैक्टिस करने के लिए कोई वायर लीजिए और उसमें थोड़ा थोड़ा छिलने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा परफेक्ट तरीके से आप छिलना सीख जाएंगे। तो छीलने के लिए आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ही आपको छीलना है। छीलते समय आपको ये ध्यान रखना है कि वायर कटने ना पाए। अगर आपका कोई आधा वायर कट गया, जैसे अभी इतना आपने निकाला और यहाँ से कुछ वायर कट गए, लाइक यहाँ पे दो चार वायर बचे हैं ऐसा, तो यहाँ से आप उसको सोल्डिंग नहीं करिए। देखिए, यहाँ पे से आधे वायर कट गए हैं और आधा वायर आपको बच रहा है, तब इसको आप सोल्डिंग मत करिए। इसको आप क्या करिए, पूरा कट कर दीजिए यहाँ पे, नहीं तो कैसा इसमें पावर कम मिलेगा और बाद में वो फिर से टूट के और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से, जब यहाँ पे परफेक्ट तरीके से छील के हो जाए, आपके सारे के सारे वायर बराबर रहें इस तरीके से, तो आप उसमें से
उसको सोल्डिंग करिए। तो आई थिंक आप इतने से समझ गए रहेंगे कि आपको वायर को कटिंग कैसे करना है, किस तरीके से आप उसको कटिंग करेंगे और किस कैसे वो कटिंग करके छिलाएगा। देखिए यहाँ पे आप कट करते हैं, फिर आप छिलते हैं। छिलने के लिए आप बराबर से ये चीज़ ध्यान रखिए, जब भी हम लोग कैसा है कि जितनी बार भी छिलेंगे तो वो सिर्फ छिलाता है,